प्रेम साहब कपड़े। अरे क्या बात है कमला, आजकल तो तेरे रंग और रूप दोनों ही बदल गए। कोई लॉटरी वॉटरी तो नहीं लग गई? एरा मेरा बम्पर प्राइस ओसवाल सामुन। अब धुलाई में मेहनत हो गई कम, सफेदी में आ गया दुगना दम। मेम साहब आपकी नहीं हम सबकी पसंद ओसवाल साबुन। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मूल मंत्र वेलफेयर सोसाइटी द्वारा डूंगरपुर में दो वर्षों से चल रहे योग कक्षा में वैश्विक महामारी कोरोना के दिशा निर्देशों और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए योग दर्शन कार्यक्रम आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अशोक जी चौबीसा ने की, मुख्य अतिथि गोपाल जी मराठा रहे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता रश्मि व्यास ने योग के महत्व पर चर्चा करते हुए दैनिक जीवन में योग के लाभ को समझाया। कार्यक्रम का संचालन डिजिटल क्रिएटर मेहुल चौबीसा ने किया। आभार दीपेश पालीवाल और पायल बेदी ने व्यक्त किया। यहाँ पर जो क्लासें चल रही हैं पिछले करीब एक साल से सवा साल से चल रही हैं और आज मूल मंत्र वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य के रूप में श्री चौबीसा हमारे मेहुल चौबीसा हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे यहाँ संख्या करीब 35। एक योग जो है वो ऋषि मुनियों का दिया हुआ विज्ञान है, तो ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसी संस्थाएं आगे आ रही है जो ऋषि मुनियों के विज्ञान को, जो अब तक पहले गुरुकुल तक ही में ही बंद थे, वो आम जनों तक जा रहे हैं, आम लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध हो रहा है। वरना अब तक कुछ साल पहले तक तो आज़ाद अभी 200-250 साल की अंग्रेज़ों की गुलामी में हम हमारे ज्ञान और विज्ञान को भुला बैठे थे। हम योग का मतलब है शिव अनंत है, शिव की जो ऊर्जा है, शिव की जो शक्ति है, शिव के जो भाव है वो अनंत है। अनंत से एकाकार होने का नाम है योग। जो हमारे भाव है, जो हमारे विचार है वो अधिक से अधिक शिवत्व की ओर स्थापित हो, उसका नाम है योग। जितनी श्वासें